हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे से एक ऐसी नाश्ता जिसे खाने के बाद ना बच्चे बड़े सभी इसके दीवाने हो जाएंगे और आप पास्ता और मैगी खाना तो भूल ही जाएंगे। इतना ज्यादा ये टेस्टी बनता है, बच्चे रोज घर पे डिमांड करके इसे बनवाएंगे और बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही हेल्दी भी है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर हम गूथे हुए आटा ले लिए हैं। लंच में हम रोटी बनाए थे और उसमें से आटा बच गया था गूथा हुआ, इसको हम फ्रिज में रख दिए थे। और अभी शाम के टाइम मैं सोच रही थी कि इससे कुछ ऐसा नाश्ता बना दूं ताकि इसे खाने के बाद ना बच्चे बड़े सभी खुश हो जाए। तो यहाँ पर क्या करना है, गूथे हुए आटे के ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा डालना है और इस तरह से मिलाते हुए इसका हमें एकदम चिकना सा डो लगाकर तैयार कर लेना है। अगर गूथा हुआ आटा नहीं है तो आटा गूथ कर आप ले लीजिएगा। तो ये देखिए आटा हमारा यहाँ पर तैयार हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस आटा को लेंगे और इसमें से हम मीडियम साइज के लोई तोड़ लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर इसमें से 4 लोई बनकर तैयार हुआ है। तो अभी हम इन बाकी लोई को साइड में रख देंगे और इसमें से हम 1 लोई ले लेंगे और इस लोई को हथेली पर रख लेंगे और इस तरह से हथेली पर घुमाते हुए इसको हम पेरा के सेप देंगे। और अब हम इस लोई को चकले के ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेंगे। सूखा आटा लगाने से चकला या बेलन में नहीं चिपकेगा, बहुत ही अच्छे से बेल जाता है। तो जैसे हम नॉर्मल रोटी बेलते हैं ना, उसी तरह से इसको बेल लेना है, लेकिन यहाँ पर ना नॉर्मल रोटी से इसको हल्का मोटा रखना है। तो इस चीज की आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये देखिए रोटी बेल लिए है और इसका थिकनेस मैं आपको उठाकर दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं नॉर्मल रोटी से थोड़ा सा मोटा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके साइड के पार्ट को इस तरह से कट कर लेंगे। यहाँ पर मैं पिज्जा कटर से कट कर रही हूँ, आप चाहे तो चाकू से भी कट कर सकते हैं। तो इस रोटी के चारों साइड से हम इस तरह से कट करके इस रोटी को हम स्क्वायर शेप में ले आए हैं और इसका एक्स्ट्रा आटा को हम हटा दिए हैं, इसको हम दूसरे लोई में मिक्स करके बाद में बेल लेंगे। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से लंबे स्ट्रिप में पहले कट करेंगे और उसके बाद इस साइड से इसको हम इस तरह से कट करेंगे, यानी कि इसका छोटा छोटा स्क्वायर पीस बनाकर तैयार कर लेना है। तो ये देखिए इसको हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए हैं। तो अब हम इसमें से एक पीस लेंगे और इसके दोनों कोने को इस तरह से पकड़ेंगे और चिपका देंगे। इसमें पानी लगाने की जरूरत नहीं, बिना पानी के भी ये चिपक जाता है। इसके बाद दूसरे साइड के भी दोनों कोनों को पकड़ कर चिपकाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, इस तरह से चिपकाने के बाद इसको दूसरे साइड से इस तरह से पलट लेंगे और इसको भी दबाते हुए चिपका देंगे। आपको मैं 2 से 3 बनाकर यहाँ पर दिखा रही हूँ, आप देख लीजिए ध्यान से, इस तरह से इसको बना लेना है। और आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा इसका एक फ्लावर बनकर तैयार हो गया है। तो इसी तरह से बाकी सभी को बना लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर हम सभी को बना लिए हैं और आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा खिला खिला इसका फ्लावर बना है। तो अब इसको हम साइड में रख देंगे और यहाँ गैस पर हम रख लिए हैं 1 कढ़ाई और इसमें डाल लिए हैं 1 गिलास पानी। और पानी में जैसे ही उबाल आने लगा है तो इसमें हम 1 चम्मच तेल डाल दिए हैं और इसके बाद जो हम नाश्ता बनाए थे उसे डाल देंगे। तेल डालने से क्या होगा, ये नाश्ता ना एक दूसरे में चिपकेगा नहीं, बिल्कुल खिला खिला सा बनेगा। और हाँ, इसे डालते ही ना इसको नहीं चलाइएगा, डालने की थोड़ी देर बाद यानी कि 30 सेकेंड के बाद इसको एक बार चम्मच से चला दीजिएगा। उसके बाद इसको इसी तरह से 5 मिनट के लिए पकने देंगे, यानी कि 5 से 6 मिनट इसको मीडियम फ्लेम पर पका लेना है। 6 मिनट के बाद गैस के फ्लेम बंद कर देंगे और ये देखिए बहुत अच्छे से पक गया है। तो इसको अब हम निकाल लिए हैं एक स्ट्रेनर में और इसको हम एक प्लेट में रख देंगे ठंडा होने के लिए। ये ठंडा हो रहा है तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ गैस पर रख लिए हैं 1 कढ़ाई और इसमें डाल लेंगे 2 छोटा चम्मच तेल। और गैस के फ्लेम यहाँ पर हम अभी लो रखेंगे और तेल को गर्म होने देंगे। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा तो 1/2 छोटा चम्मच इसमें डाल देंगे साबुत जीरा और साथ में ही डाल देंगे 4 से 5 बारीक कटा हुआ लहसुन के कली और 2 हरी मिर्च डाल देंगे लंबे में कट करके, यानी कि हरी मिर्च को चीरा लगाकर डाल दिए हैं। और इसको थोड़ी देर के लिए चलाते हुए पका लेंगे, यानी कि इसका हल्का कच्चापन जाने तक। इसके बाद इसमें डाल देंगे 1 मीडियम साइज के बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को भी हम चलाते हुए अब मीडियम फ्लेम पर हल्का सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। अभी गैस के फ्लेम हम मीडियम कर दिए हैं। तो जैसे ही प्याज हमारा हल्का सॉफ्ट हो जाएगा तो इसी स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और साथ में ही डाल देंगे 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। और अब इसको भी हम एक बार इस तरह से चला लेंगे। तो यहाँ पर लाल मिर्च और हल्दी पाउडर इसी स्टेज पर डालिएगा, प्याज और तेल के साथ ही पकाइएगा, इससे बहुत ही अच्छा कलर आता है।
इसके बाद अब इसमें हम डाल देंगे एक मीडियम साइज के बारीक कटा हुआ टमाटर और साथ में ही डाल देंगे स्वाद के अकॉर्डिंग नमक। तो टमाटर के साथ ही नमक डालिएगा, इससे क्या होगा ना टमाटर जल्दी गल जाएगा। तो इसको एक बार अच्छे से चला लेंगे और इसके बाद अब इसको ढक कर 1 से 1.5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने देंगे। तो यहाँ पर इसे पकते हुए 1.5 मिनट हो गया है, इसका ढक्कन हटा लिए हैं और ये देखिए यहाँ पर टमाटर हमारा अच्छे से गल गया है। अभी हम गैस की फ्लेम लो रखे हैं, तो अब हम इसी स्टेज पर इसमें डाल देंगे 2 चम्मच जितना बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, 2 चम्मच जितना बारीक कटा हुआ गाजर और साथ में ही डाल रहे हैं 2 चम्मच जितना बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी। यहाँ पर हरा सब्जी आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर हरा सब्जी नहीं डालने के मन है तो आप सिर्फ प्याज और टमाटर से इसको बना सकते हैं। और इसको एक बार चलाने के बाद अब इसमें हम डाल दिए हैं 1 पैकेट पास्ता मसाला। आप पास्ता मसाला के जगह पर इसमें मैगी मसाला भी डाल सकते हैं, जो फ्लेवर आपको पसंद है वो डाल लीजिएगा। और इसे डालने के बाद एक बार अच्छे से चला लेंगे। इसके बाद इसमें डाल देंगे 2 से 3 चम्मच जितना पानी और अब इसमें हम पानी डालने के बाद इसको एक बार चला लेंगे। इसके बाद गैस की फ्लेम हम लो कर देंगे और इसको ढक कर 1 से 1.5 मिनट के लिए पकने देंगे। इससे क्या होगा इसमें जो हम सब्जी अभी डाले हैं ना वो हल्का सॉफ्ट हो जाएगा और मसाला भी अच्छे से पक जाएगा। तो इसे पकाते हुए 1.5 मिनट हो गया है, तो इसका ढक्कन हटा लिए हैं और ये देखिए यहाँ पर सब्जी हमारा हल्का सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम यहाँ पर जो पास्ता बना के रखे थे ना ठंडा होने के लिए प्लेट में, अच्छे से ठंडा हो गया है, तो इसको हम इसमें डाल देंगे और इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच टोमेटो केचप। बच्चों को टोमेटो केचप बहुत पसंद आता है इसलिए मैं 1 चम्मच डाल दी हूँ। अगर आपको टोमेटो केचप पसंद नहीं है तो इसके बिना भी आप इसे बना सकते हैं, इसके बिना भी ये बहुत टेस्टी बनता है। और इसे चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर 1 से 1.5 मिनट और पका लीजिएगा। इसके बाद अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता और धनिया पत्ता डालने के बाद एक बार चला लेंगे और ये देखिए बहुत ही टेस्टी लाजवाब आटे का पास्ता बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे नीचे उतार कर एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद जय भारत।